हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आपको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 7532। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे, देखेंगे कि इसका ट्रिपलेट मिल रहा है कि नहीं। तो लेट अस फाइंड आउट। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी फैक्टर का यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा। देयरफोर हमें इसको किसी अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मींस हमें अब देखना पड़ेगा कि ये नंबर जो है किनके किनके बीच में लाइक करती है, और जिनके बीच में लाइक करेगी उनका क्यूब रूट टेबल से यदि हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं उसका क्यूब रूट। ठीक है, तो सिंस हम जानते हैं कि 7532 इज ग्रेटर दैन 7500 बट लेस दैन 7600, राइट। इट इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ, तो ऐसा हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम 7500 की और 7600 की। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। ओके, 75 आपका ये है, 75 के सामने आपको 100x वाले कॉलम में जाना पड़ेगा। 19.57 ये आपका है, 19.57। 19.66 आपका ये है जो कि 76 का है। ओके, तो वैल्यूज हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि जो नंबर्स में होता है डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके क्यूब रूट्स के डिफरेंस के। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वो चीज़, वी नो दैट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 7500 7600 के बीच में जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, सो 100 का डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा इनके क्यूब रूट्स के डिफरेंस इतना। मीन्स इनके क्यूब रूट में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा इतना। इसको सॉल्व करेंगे 09। ओके, आपको निकालना है देखिए 32 का डिफरेंस। ठीक है, केवल हम यदि 7500 में 32 ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा 7532, है कि नहीं। तो यहाँ पर 100 का डिफरेंस हमने निकाला है, यहाँ पर 100 के हेल्प से हम निकालेंगे 32 का डिफरेंस। सबसे पहले आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करिए और 1 अमाउंट का निकाल लीजिए। मतलब 100 का डिफरेंस रहेगा तो इतना आ रहा है, मतलब डिफरेंस इन क्यूब्स, क्यूब रूट्स। अब 1 का यदि डिफरेंस रहेगा तो कितना क्यूब रूट आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 100 से। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से। हमें निकालना है 32 का, तो अब यहाँ पर निकाल सकते हैं 32 का। 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी करना होगा, तो देयरफोर हमारा आ गया 0.09 होल अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 32। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 to 18, तो आपका जो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0288। ओके, तो अब हम अब लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7532 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7500 प्लस 0.0288। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको पता है 19.57, जो अभी फाइंड किया था हमने यहाँ पर, और इसमें ऐड कर देंगे 0.0288, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 19.5988। और यदि आप इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 19.599। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो होप कि वो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। यदि आ गया तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब कि आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।